हेलो हेलो। हेलो 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 सतीश। जी सर, आवाज आ रही ना? जी सर, चलो ठीक। हेलो सतीश जी, जी सर, सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 6 कक्षा 7 में सोशल साइंस में पार्ट 13 राज्य की सरकार, पार्ट 13 निकाले राज्य की सरकार। तो राज्य की सरकार में महत्वपूर्ण पॉइंट में देखिए बच्चों, सरकार द्वारा बनाए गए नियम व कायदों को सरकार द्वारा बनाए गए नियम व कायदों को कानून कहते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नियम व कायदों को क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नियम व कायदों को कानून कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका केंद्र का शासन संघ सूची व राज्य सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट सूची के आधार पर चलाया जाता है। ये आपकी सूचियां निर्धारित है। केंद्र का शासन संघ सूची व राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची के आधार पर चलाया जाता है। केंद्र के आधार सरकार द्वारा बनाए गए नियम व कायदों को कानून कहते हैं। केंद्र का शासन संघ सूची व राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची के आधार पर चलाया जाता है। इसमें है आपका तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में देखिए, तीसरे पॉइंट में देखिए बच्चों, केंद्र सरकार को संघ सूची में केंद्र सरकार को संघ सूची में केंद्र सरकार को संघ सूची में वर्णित सभी 97 विषयों पर, वर्णित सभी 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संतानवे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 97 विषयों पर। हाँ तो देखिए बच्चों, केंद्र सरकार को संघ सूची में वर्णित सभी 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। विधानसभा को राज्य सूची में वर्णित 62 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र व राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची में वर्णित 52 विषयों पर कानून बना सकती हैं। अवशिष्ट सूची में संख्या निर्धारित नहीं है। इस सूची में
वह विषय है जो संविधान निर्माण के समय इसमें शामिल नहीं थे। मध्य प्रदेश में एक ही सदन विधानसभा है, मध्य प्रदेश में एक ही सदन विधानसभा है, इसके सदस्य विधायक या विधानसभा सदस्य कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के 2 प्रमुख कार्य कानून बनाना तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करना है। जिन राज्यों में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं उनमें राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधान सभा तीनों को संयुक्त रूप से विधान मंडल कहते हैं। इसमें सही विकल्प में देखेंगे बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 आपका काम है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो पहला विकल्प इसमें आपका होगा, हमारे पहले विकल्प में देखिए, राज्य की सरकार में देखिए पहला विकल्प हमारे देश के वर्तमान में प्रश्न है, हमारे देश में वर्तमान में हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या है, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या है, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या है 28। कुल राज्यों की संख्या है 28। तो देख ले बच्चों, सही विकल्प चुनकर के लिखना था, हमारे देश में वर्तमान राज्यों की कुल संख्या है 28। अब इसमें दूसरा पॉइंट आपका आता है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित अर्हताएं कौन कौन सी है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित अर्हताएं निम्नलिखित हैं, वो भारत का नागरिक हो, वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो दिवालिया अथवा पागल ना हो, वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। विधानसभा के गठन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 स्थान निर्धारित है। एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र का विधायक हो सकता है। उपरोक्त स्थानों के लिए भारत का चुनाव आयोग केंद्र व राज्य सरकार के परामर्श से एक अधिसूचना जारी करता है, जिनमें चुनाव की तिथियां घोषित की जाती है। इन तिथियों में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन फार्म भरे जाने, नाम वापस लिए जाने, मतदान एवं मतगणना की तिथि आम जनता को बताई जाती है। चुनाव का संचालन चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। चुनाव आयोग द्वारा सभी चुने हुए विधायकों की सूची घोषित करने पर विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
है, विधानसभा के कार्यवाचक गुणों को समझाइए। विधानसभा के दो मुख्य कार्य हैं, पहला है कानून बनाना, दूसरा है वित्तीय कार्य। पहला नंबर कानून बनाना और दूसरा नंबर है आपका वित्तीय कार्य। कानून बनाने की परिभाषा देखे, विधानसभा को राज्य सूची में वर्णित सभी 62 विषय पर राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाने का अधिकार है। सरकार द्वारा सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जिस पर चर्चा होती है, विचार विनिमय के पश्चात सदन उस विधेयक को पारित करता है। सदन द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजा जाता है। राज्यपाल आवश्यकता होने पर उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद विधेयक व अधिनियम विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। अब अगला है परिभाषा में वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य तो विधानसभा राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। प्रतिवर्ष विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा राज्य का आय व्यय बजट प्रस्तुत होता है। विधानसभा द्वारा बजट पारित होने पर इसे राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद सभी वित्तीय कार्य संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा कार्य विभिन्न माध्यमों से जनहित के कार्यों, सरकारी योजनाओं, विभागीय कार्यवाहियों आदि के संबंध में जानकारियां प्राप्त करना है। विधानसभा की शक्तियां क्या है? विधानसभा सरकारी विभागों द्वारा किए गए कार्यों पर नियंत्रण रखती है। ये कार्य विधानसभा सदस्य विभिन्न प्रस्तावों के माध्यमों से करते हैं। ऐसे प्रस्ताव काम रोकों प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्न पूछना, बजट में कटौती प्रस्ताव आदि हैं। गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। अब आइए इसमें सही विकल्प में प्रश्न नंबर दूसरा होगा, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में देखते हैं, विधानसभा का कार्यकाल होता है, विधानसभा का कार्यकाल होता है, पांच वर्ष। उत्तर में पांच वर्ष या टोटल वर्ष या टोटल तीसरा
राज्य सूची में कुल विषय राज्य सूची में कुल विषय सम्मिलित है, कुल विषय सम्मिलित है भाषा, भाषा विषय राज्य सूची में कुल विषय सम्मिलित है भाषा विषय। लिखित प्रश्नों को पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर दो आता है, विधानसभा के सदस्य को सदस्य को विधानसभा के सदस्य को वादा करते हैं विधायक या विधानसभा सदस्य विधायक विधायक या विधानसभा विधायक या विधानसभा सदस्य विधानसभा के सदस्य को विधायक या विधानसभा सदस्य कहते हैं। पर नंबर में देखिए विधानसभा की बैठकों की विधानसभा की बैठकों की कार्यवाही का संचालन संचालन द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संचालन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधानसभा की बैठकों की कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका
मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधानसभा मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या सदस्यों की कुल संख्या बढ़ाकर है 230 मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या डाटा है 230 है। अब इसके बाद आता है विधानसभा सदस्य चुने जाने के चौथा नंबर है विधानसभा सदस्य चुने जाने के न्यूनतम आयु सीमा विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा डाटा को वर्ष है 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। आप इसमें देखिए बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु में सरकार द्वारा बनाए गए नियम अथवा कायदों को कानून कहते हैं। दूसरा पॉइंट है खेल का शासन संघ सूची व राज्य सूची संबंधी सूची अवशिष्ट सूची के आधार पर चलाया जाता है। केंद्र सरकार को सूची वर्णित सभी संदान के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर एक में हमारे देश में वर्तमान राज्यों की कुल संख्या है 28। फिर दूसरा है विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्य सूची के कुल विषय सम्मिलित है 62 विषय। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट विधानसभा के सदस्य को विधायक या विधानसभा सदस्य कहते हैं। फिर विधानसभा की बैठकों की कार्यवाही का संचालन विधानसभा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तीसरा मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 230 है। चौथा पॉइंट विधानसभा सदस्य चुने जाने के न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधानसभा द्वारा विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव कानून कब बन जाता है? पारित प्रस्ताव कानून
कब बन जाता है? तो राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव कानून बन जाता है। राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव कानून बन जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका बच्चों, भारतीय संविधान में लिखित विषय सूची के नाम बताइए। भारतीय संविधान में उल्लेखित विषय सूची के नाम बताना है। तो इसमें देखें, आवाज आ रही है बच्चे सतीश पांडे ने? जी सर। भारतीय संविधान में उल्लेखित अग्रलिखित सूचियां हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित अग्रलिखित सूचियां हैं। पहला है, पहली सूची क्या नाम है? संघ सूची। पहला सूची संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ति सूची, चौथा है अवशिष्ट विषय सूची। ये चार सूचियां हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित अग्रलिखित सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट विषय सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट विषय सूची विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित अर्हताएं कौन कौन सी है? विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित अर्हताएं निम्नलिखित है। वो भारत का नागरिक हो, वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो दिवालिया अथवा पागल न हो, वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन राव के पद पर ना हो। तो इस तरह से बच्चों, ये आपका लिखित कार्य और प्रश्नोत्तर आपका इस बार का राज्य सरकार 5/16 राज्य की सरकार, ये बार आपका पूरा होगा। अब इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं बच्चों, नए पर और बताया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते सर।